हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे एक बार बनाइए, 6 महीने तक खाइए, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे, कुछ भी आपको ऊपर नीचे नहीं करना है, जितनी मात्रा में जो चीजें मैं ऐड करूंगी बस उतनी मात्रा में ऐड करना, कुछ भी अपनी तरफ से ऐड मत करना। आपकी रेसिपी 100% मेरी तरह बनेगी और बिल्कुल 6 महीने तक खराब नहीं होगी। बिना फ्रिज के आप इसे स्टोर कर पाएंगे और 6 महीने तक एंजॉय कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को बहुत सारे लोगों में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि आपको हमारे जैसे ही वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले। तो इसके लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये चीज है हमारी कच्चे चावल और कच्चे आलू, जो हर किचन में अवेलेबल होता है। इसी से आप बना सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी। तो जो रॉ राइस लिया है मैंने, नॉर्मल वाले लिया है, आप चाहे तो बासमती से भी बना सकते हैं। 2 पोटैटो लिए हैं और ये हमने कच्चे लिए हैं, और 2 ग्रीन चिली लिया है, इसका भी हम यूज करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चावल को अच्छे से कपड़े से पोंछ लेना है, 3 से 4 बार सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। इसमें जो धूल मिट्टी होगी उसे आप निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे और उसमें हम चावल को और पोटैटो को अलग कर लेंगे दोनों चीजों को। तो फ्रेंड, चावल हमारे 100 ग्राम है, आलू हमारा 50 ग्राम है, 2 आलू है मीडियम साइज का। अगर आप बड़ा आलू इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ही लग जाएगा। और चलिए नाप में बताऊं तो 1 कटोरी हमारा चावल है, बड़ी वाली कटोरी है। अगर आपकी छोटी कटोरी है तो आप 2 कटोरी कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, आगे का काम गैस पे करेंगे। तो फ्रेंड, आगे गैस की तरफ, और एक पैन रखा है। पैन तो जो भी रखिए हैवी वेट होना चाहिए, आप कढ़ाई भी रख सकते हैं। पैन को पहले अच्छे से हीट कर लेंगे, फिर अपने हम चावल को ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से चावल को ट्रांसफर कर दिया है। अब हम चावल को भूनेंगे धीमी धीमी आंच पर, 1 से 2 मिनट। चावल को हमें रंग नहीं आने देना है, बस इसका हमें कच्चापन दूर करना है और चावल को हल्का सा फुलाना है। बस ख्याल ये रखना है, गैस का फ्लेम लो होना चाहिए, बर्तन आपका हैवी होना चाहिए। तो कंटिन्यू चलाते हुए हम चावल को धीमी धीमी आंच पर अच्छे से भूनेंगे 2 मिनट से। तो फ्रेंड देखिए, 2 मिनट तक मैंने चावल को भून लिया है बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर, बिल्कुल भी कलर नहीं आया है, लेकिन चावल हमारे फूल गए हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और बंद करने के बाद इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारा बर्तन भारी है इसीलिए हमें कंटिन्यू इसे चलाते रहना है गैस फ्लेम को बंद करने के बाद। और अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने निकाल लिया, अब इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा करने के बाद ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए ठंडा कर लेते। तो फ्रेंड देखिए, चावल हमारा अच्छे से ठंडा हो गया, अब हम इसे छू पा रहे हैं। जब बिल्कुल अच्छे से हम छू पाएंगे यानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब इस्तेमाल करेंगे। अब हम छोटा वाला मिक्सी का जार ले लेंगे और उसके अंदर हम इस चावल को ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए ट्रांसफर कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब इसमें हम ना पानी डालेंगे, ना ही घी डालेंगे, ना कोई और चीज डालेंगे, सिर्फ हम इसको कवर कर देंगे और इसको आप बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। और इसका जो पाउडर होना चाहिए बिल्कुल बारीक होना चाहिए। तो आपको मिक्सी को रोक के 3 से 4 बार इसे अच्छे से पीसना है। अगर आपका पाउडर थोड़ा सा मोटा होता है तो आप उसे छन्नी से छान लीजिएगा। तो चलिए इसे पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा पाउडर आपका होना चाहिए। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है, चलिए आपको दिखा देते हैं कितना बारीक है हमारा पाउडर। ये देख लीजिए, बिल्कुल बारीक बने किया है। अगर आपका मोटा हो तो आप लोग छान लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल इस तरह से स्मूथ, बिल्कुल बढ़िया बारीक करना जरूरी है। अब इसे हम एक बड़े साइज के बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये देखिए, बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और इसके अंदर हम अपना ये पाउडर जो हमने बनाया है चावल को भून के, इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो चावल का आटे का इस्तेमाल नहीं करना है, कच्चे चावल को भून कर पीसना है, उसकी बात अलग आती है। तो इस तरह से देखिए, हमारा पाउडर रेडी हो गया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड अब जो हमारे आलू थे इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे कट कर लेना है ताकि इसे पीसने में हमें आसानी हो। तो इस तरह से हम छोटे छोटे पार्टीशन में इसको कट कर लेंगे फटाफट दोनों आलू को। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह से मैंने सारे आलू को कट कर लिया है। अब इसे हम एक बार वॉश कर लेंगे फिर इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आलू को मैंने वॉश कर दिया है, अब हम यही वाले जार में डालेंगे। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लगा नहीं है, चावल का आटा ही लगा है, तो हम इसी के अंदर डाल देंगे। और इसी के साथ हम इसे अपनी ग्रीन चिली भी डाल देंगे। तो पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि आलू में काफी पानी होता है, इसी से पिस जाएगा, यानी अपने ही पानी से इसको पीसना है। अब इसमें अपने हम 2 ग्रीन चिली, जो हमारी तीखी वाली है, अगर आपकी तीखी वाली नहीं है तो आप 3 से 4 डाल लीजिएगा, इस तरह से बीच से तोड़कर इसके अंदर डाल देंगे। अब बिना पानी डाले हम इसे पीस लेंगे, नमक नहीं डालेंगे, अगर आप नमक डालेंगे तो ये काला हो जाएगा। तो चलिए इसे कवर करके पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है इसका, लम्स नहीं होना चाहिए। तो चलिए पीस के लेके आते हैं।
तो फ्रेंड देखिए इस तरह से पीस लिया है, बिल्कुल व्हाइट हमारा हुआ है। अगर आप इसमें नमक डालते तो बिल्कुल व्हाइट नहीं होता और इस तरह से पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे आपको दिखाएंगे, पेस्ट में बिल्कुल भी गुठली नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट है। इस तरह से अब इसको हम अपने चावल के आटे में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं सारा का सारा और अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, तो फ्रेंड एक चम्मच नमक डालेंगे और अब इसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। तेल हम जो डालेंगे वो हल्का सा गर्म होना चाहिए, मैं रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। एक बड़ा चम्मच डालना है, अगर आप छोटा चम्मच डालें तो ये दो चम्मच जाएगा। और अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, आधा चम्मच हम इसके अंदर जीरा डालेंगे और एक चम्मच हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप ड्राई आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिला लेंगे बिना पानी डाले। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मिला लिया है। अब एक बड़ा कप पानी लेंगे और पहले हम एक कप पानी डालेंगे और ये बड़ी ग्लास है, अगर आप छोटा कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो दो कप खंड इस्तेमाल करना है। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, तो चलिए चम्मच से नहीं फेंटेंगे, इससे हम अच्छे से इसको बिल्कुल स्मूथ सा बना लेंगे। तो देखिए एक चम्मच पानी एक बड़ी गिलास पानी डाला है। पहले हम इसको सारी गुठलियों को ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम इस तरह से स्मूथ करते हुए इसके सारे लम्स को ख़त्म कर लेंगे, एक साथ पानी नहीं ऐड करना। और अब इसके बाद हम इसमें आधा कप पानी और ऐड करेंगे क्योंकि थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो आधा कप पानी मैंने और ऐड कर लिया है। और अब हम इसे फिर से करेंगे और अभी हम आपको दिखाएंगे ये कितना पतला होना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सा हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है और ये बिल्कुल पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए चम्मच से आपको अभी हम गिरा कर दिखाएंगे कैसा होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, जब हम चम्मच से गिराएं तो ये फटाफट गिरना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो ये देखिए रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस की तरफ चलेंगे और आगे का काम हम गैस पे करेंगे। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ, हमने गैस को ऑन नहीं किया है, एक भारी कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कढ़ाई ना हो तो आप भगोने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बर्तन इस्तेमाल कीजिए भारी होना चाहिए। देखिए मेरी कढ़ाई कितनी भारी है। अब इसके बाद हम अपने पेस्ट को इसके अंदर जो हमने ये बैटर बना कर रखा है ट्रांसफर कर देंगे, सारा का सारा बचाना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह से हम डाल देंगे और गैस को अब ऑन करेंगे, पहले नहीं ऑन करना है। तो फ्रेंड गैस को मैंने ऑन कर दिया है, अब हमें मीडियम फ्लेम पे, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा लो, अब इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में ये बैटर हमारा रेडी हो जाएगा। तो कंटिन्यू चलाते रहेंगे, गुठलियां नहीं बढ़नी चाहिए, तो आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट अपने हाथों को कष्ट दीजिए और फिर इसके बाद आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम कंटिन्यू चलाते हुए 2 मिनट तक इसको थोड़ा सा थिक होने तक पकाएंगे ताकि जो हमारा चावल था और आलू पक जाए। तो फ्रेंड 2 मिनट बाद देखेंगे हमारा बैटर अच्छे से थिक हो चुका है और बहुत ज्यादा पतला नहीं है, गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हमें इस्तेमाल वेट करना है, फिर इसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने बहुत ज्यादा इसे पतला नहीं रखा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा, इस तरीके से होना चाहिए, देख लीजिए। अब इसे हम रख देंगे और थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए बैटर हमारा ठंडा हो गया, हम इसे छू पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अब इसे हम चम्मच से 1 से 2 बार इस तरह से स्मूथ करेंगे ताकि जो गुठलियाँ हैं उसको हम ख़त्म कर लें, इस तरह से बिल्कुल फास्ट मोड में और एक ही डायरेक्शन में। और अब हम चलिए इसका बनाना शुरू करते हैं, तो चलिए बिछा लेते हैं। तो फ्रेंड एक पॉलीथीन या कपड़ा कुछ भी आप लगा लीजिए और अब हम अपने बैटर को इस तरह से लेंगे और इस तरह से डालते हुए हम इसके पापड़ बना लेंगे। पापड़ हम थोड़े बड़े बना रहे हैं, आप चाहे तो छोटे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके बड़े बड़े पापड़ बनाएंगे। ख्याल ये रखना है कि ये चावल और आलू के पापड़ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पतले नहीं बनाने आपको। और इस तरह से हम अपने पापड़ को इसके ऊपर डालते जाएंगे। बैटर हमारा ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, इसका भी ख्याल रखना है। और इस तरह से हम अपने पापड़ को बिल्कुल आराम से प्यार से बनाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। और मैं थोड़ा बड़े बड़े बना रही हूँ, आप चाहे तो छोटे छोटे भी बना सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट शेप का चाहिए तो आप चूड़ी रख के भी बना सकते हैं, चूड़ी के अंदर आप इसको फिल कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे ये हो गया है और इसी तरह हम अपने सारे बना लेंगे। तो फ्रेंड इसी तरह हम अपने सारे पापड़ बना लेंगे और इसे आप फैन के नीचे 4 घंटे सुखो से रख दीजिए, सूख जाएंगे। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे
दो घंटे धूप में रख दीजिए तो ये फटाफट सूख जाएंगे, क्योंकि इस समय धूप काफी तगड़ी हो रही है, पापड़ वाली धूप हो रही है तो ये सूख जाएंगे। तो चलिए मैंने आपके लिए पापड़ सुखा के रखे, वो आपको दिखाते हैं, और इसे हम रख देते हैं पंखे के नीचे, तब तक ये सूखेंगे। बाकी मैं अभी बनाऊंगी, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसका लुक। तो कुछ दिन पहले मैंने इसके पापड़ बनाए थे, तो जो मेरे घर में चल रहे हैं उसी को मैं आप दिखाने वाली हूँ। तो चलते हैं, सूखने के बाद पापड़ आपको इस तरह से दिखेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ, आपको पापड़ को तल के दिखाते हैं कि पापड़ कितने मजे के बने हैं। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, और एक पैन ले लिया है, अब इसमें हम पापड़ फैलाएंगे। तो आप भी पैन में या फैले हुए बर्तन में जब पापड़ को तलते तो अच्छे से तल जाते हैं। और दूसरी बात देखिए हमारे ये पापड़ कितने पारदर्शी बने हैं और बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाते हैं। अगर आप इसे फैन के नीचे रखेंगे तो 4 घंटे लगेंगे, धूप में तो ये 2 घंटे में हो जाते हैं। तो देखिए मैंने पतला नहीं बनाया था, हल्का सा मोटा बनाने से ये रहता है कि ये सूखने के बाद अच्छे से निकल आते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा पतले बनाएंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। तो तेल को हम पहले अच्छे से हीट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पर पापड़ तलने के लिए तेल को कभी मत गर्म कीजिए, नहीं तो पापड़ आपका तुरंत ही जल जाएगा। तो फ्रेंड मैं इसे रिफाइंड ऑयल में तल रही हूँ, आप चाहे तो घी में भी तल सकते हैं या फिर सरसों के तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन रिफाइंड के पापड़ देखने में बहुत ज्यादा लाइट वेट और अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम पापड़ इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से चिमटे से हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे, और बस 1 सेकंड के बाद ही पापड़ देखिए इस तरह से हमारे फूलना शुरू हो जाते हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे कितने व्हाइट और कितने जालीदार हमारे पापड़ बनते हैं, और इस तरह से हम इसको पलट लेंगे। देखिए साइड में कितना बढ़िया पापड़ हमारा बना है, अभी हम आपको इसको तोड़ कर दिखाएंगे। तो बिल्कुल बड़े बड़े पापड़ मैंने बनाए थे, अगर आप चाहें तो छोटे छोटे बना सकते हैं। तो आलू और चावल के ये पापड़ इतने ज़्यादा सोने और इतने ज़्यादा कुरकुरे लगते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा पापड़ बन गया है। इसको हम इस तरह से निकाल कर रख लेंगे ये देखिए, और इसी तरह हम अपने बाकी तल के आपको दिखाते हैं अभी। तो फ्रेंड अब हम 1 से 2 पापड़ डालेंगे और इसे भी हम पहले की तरह तल लेंगे। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारे कच्चे आलू और कच्चे चावल का ये अमेजिंग से पापड़, जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि घर में बने हैं, बाहर से आप पापड़ लाते हैं तो वो हेल्दी नहीं होते, पता नहीं कैसे बनाए। तो देखिए मैंने इस तरह से बड़े बड़े बनाए हैं, आप चाहें तो छोटे छोटे बना सकते हैं। तो चलिए इस पापड़ को मैं तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारे होम मेड पापड़ है और मार्केट से ज्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी बने हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पूरा पापड़ चकनाचूर हो रहा है, देख लीजिए कितना क्रिस्पी और क्रंची है, मुंह में मेल्ट होने वाला बना है। अगर आप मेरी टिप को फॉलो करेंगे तो आपका भी रिजल्ट ऐसा ही आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस रेसिपी को ज्यादा ज्यादा लोगों में शेयर करना, क्योंकि होली आ रही है और होली में ये पापड़ जरूर आप खाइए। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू और चावल का, और आपने चावल और आलू के पापड़ अलग अलग खाए होंगे, लेकिन इस तरह से खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। दोनों फ्लेवर एक साथ आप खाइए, और आप इसे स्टोर करिए 6 महीने तक, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा अगर आपने मेरे तरीके से बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और सबका ख्याल रखिए। लाइट चली गई थी तो माइंड मत कीजिए। लव यू ऑल, बाय।